नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। डे वन इन कोलकाता, कितना अच्छा लग रहा है हावड़ा ब्रिज के ऊपर से गुजरना। 1943 में ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ, वर्ल्ड का सिक्स्थ लार्जेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां डेली बेसिस पे इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करती हैं। 1965 में इसका नाम चेंज करके रविंद्र सेतु कर दिया गया। यहाँ से हम घूमकर घाट की ओर आए। वैसे इस समय हमारे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये सेकंड ब्रिज है, इसको विद्यासागर सेतु कहा जाता है। ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है। आज हम दिन भर कोलकाता घूमेंगे, फूड एंड ट्रैवल खूब इंजॉय करेंगे। सबसे पहले चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एमजी रोड पे बड़ी पॉपुलर शॉप है देशबंधु, लुच्ची और कचौड़ी के लिए। सर लुच्ची, लुच्ची के साथ आप आलू की सब्जी। इस शॉप का स्ट्रक्चर देखकर वाकई लग रहा है बहुत साल पुरानी शॉप है। लुच्ची साथ में इस तरह से आलू की सब्जी। आप इसका साइज देखिए, बहुत छोटी पूड़ी जो कि मैदे से तैयार की जाती है। गुड है लुच्ची तो ठीक है, मेरे को ना आलू की सब्जी ज़्यादा स्वाद लग रही है। और एक चीज़ है जो वर्थ मेंशनिंग है, यहाँ पर इस लुच्ची को घी में तैयार किया जाता है, ये चीज़ यूनिक है। बड़ी सिंपल आलू की सब्जी है, इसके अंदर आलू का जो बाहर का छिलका होता है वो नहीं निकाला गया। गुड और वेरी सिंपल। यहाँ पर स्वीट्स की काफ़ी सारी ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। मैं अपने लिए ले रहा हूँ गुलाब जामुन। वाह 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 वाह, कोलकाता की स्वीट्स के बारे में तो मैंने बहुत सुना, तो मुझे इतना एक्साइटेड हूँ मैं कोशिश करूँगा आने वाले जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ डेली 2 या 3 स्वीट्स ज़रूर खाऊँ। मीठा परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। कहने का मतलब है टू गुड। सामने रोड पे मैं देख रहा हूँ ट्राम के ट्रैक्स बने हुए हैं, ये चीज़ यूनिक है, कोलकाता के अलावा इंडिया में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कि इसी रोड पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, इसी रोड पर ट्राम भी चलती है। अभी हम एक फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी का एंसेस्ट्रल घर देखने आए। 1861 में यहाँ पर उनका जन्म हुआ। अपने जीवन का अधिकतर समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। इस घर में गुरुदेव की जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को पब्लिक व्यूइंग के लिए डिस्प्ले पर रखा गया है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अभी हम अंदर म्यूजियम देख कर आए। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको लिटरेचर के लिए 1913 में नोबल प्राइज दिया गया फॉर इज राइटिंग गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। उनकी लिखी गई पोएम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, लिटरेचर को दुनिया भर में लोगों ने पढ़ा और अप्रिशिएट किया। इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, उनके द्वारा लिखे गए गीत भारत भाग्य विधाता से लिया गया। उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला भी लिखा। अपार्ट फ्रॉम म्यूजियम देर इज अ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ऑल्सो विच इज फेमस फॉर कल्चर। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर फीलिंग मुझे यहाँ पर आके आ रही है। अभी हम लंच करने के लिए कोशे कोशा जा रहे हैं जो कि रिपॉन स्ट्रीट में। हमको 5 किलोमीटर का सफर तय करना है तो 20 से 25 मिनट पहुंचने में लगेंगे। ट्रैफिक हालांकि पीक टाइम नहीं है लेकिन रोड पर अभी भी काफी है। वाह, मैं थोड़ी देर पहले ही ट्रैम की बात कर रहा था और ये हमारे ट्रैम के दर्शन भी हो गए। 1873 में ट्रैम ऑपरेशंस कोलकाता में स्टार्ट हुए। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ उस जमाने में रोड पर सिर्फ ट्रैम और आज के टाइम पे नॉर्मल ट्रैफिक प्लस ट्रैम। इंटरेस्टिंग फूड फॉर थॉट।
हम यहाँ पर पहुँच गए और अपने लिए हमने फूड भी ऑर्डर कर दिया है। जब तक मेन कोर्स रेडी हो रहा है तब तक हमने अपने लिए फिश फ्राई मंगा लिया है। आपके रेफरेंस के लिए अगर आप कोलकाता आएंगे तो आप भेटकी फिश बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये फिले है जो आप सामने देख रहे हैं और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रवा नहीं है, ब्रेड क्रम्स है, फ्राई करके दिया गया। साथ में मैं थोड़ी सी सॉस भी ले लेता हूँ। वैसे एक बात है कि मस्टर्ड तो आपके एक फुट दूर भी हो ना तो भी महसूस हो जाता है कि बड़ा भयंकर टेस्ट आने वाला है। वाह ये वाह जबरदस्त। ये देखिए आप, मैरिनेशन सामने से दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से ये धनिया या पुदीना है गार्लिक के साथ। टू गुड। लवली, बहुत बेहतरीन टेस्ट है और बहुत डिफरेंट भी है। मेरा पर्सनल फेवरेट वैसे मस्टर्ड ही है, किसी भी रूप में कहीं भी मिल जाए तो। आपने पास में देखा होगा, मैं शिमला में भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि आपको जितना यहाँ पर मस्टर्ड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा सरसों, किसी ना किसी शेप, किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं उतना आपको कहीं और मुश्किल है। तो आज डे वन है, आगे चलकर और भी एक्सपीरियंस करेंगे। लवली, आप देखो ये ग्रेट। मैं पिछले दो मिनट से एक्चुअली में बड़ा ध्यान से देख रहा हूं ये मटन की ग्रेवी किस कलर में है। आमतौर पे मटन ग्रेवी का ये रंग नहीं होता, तो मैंने पता लगाया इसको स्लो कुकिंग पे बनाया जाता है जिसको बनाने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये एकदम यूनिक रेसिपी है। और इस तरह की प्रिपरेशन जिसमें सोचो ना कैसा रंग है, पानी है ही नहीं प्रिपरेशन मेथड के अंदर, ये हमको यहां पर आके खाने का मौका मिला। पुलाव के अंदर किशमिश और काजू, बाइट में मेरे को दालचीनी, बहुत सारे गरम मसाले, होल स्पाइसेस, हर चीज का फील हो रहा है। और ये ग्रेवी बहुत थिक है, मतलब आपने मतलब मैंने एक दो बाइट ही लिए हैं अभी और उसी से मेरे को लग रहा है कि बहुत मजेदार। सबसे डिफरेंट बात यह है, इस तरह का टेस्ट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि स्पाइसेस सारे के सारे लोकल हैं, एकदम डिफरेंट है। और ये बनाने की जो रेसिपी है, अगर किसी को नहीं भी पता हो तो आप उसको थोड़ा सा खिला दो तो आदमी जान लेगा कि इसको बनाने में बहुत मेहनत की गई है। कहने का मतलब है अच्छा खासा टाइम डिवोट किया गया है इसको बनाने में। मुझे ऑर्डर देते समय बताया गया था कि ये स्पाइसी होगा, लेकिन मैं क्योंकि ज़्यादा स्पाइस खाता हूँ तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट स्पाइस हल्का हल्का है। और कायदा तो ये बोलता है कि थोड़ा सा मटन ग्रेवी लगाओ और काफ़ी सारा राइस में मिक्स करके इंजॉय करो। इस तरह की प्रिपरेशन इतना टाइम कंज्यूम करके ये बनाई गई है ना, तो इस तरह का मैं मटन का टेस्ट एक्सपेक्ट कर ही रहा था। वेरी टेंडर और बहुत ही लाजवाब कुकिंग। कोशा मांसों के टेस्ट से मैं इतना इंप्रेस हो गया हूं कि मैंने ना ये खाते खाते डिसाइड किया है कोलकाता से जाने से पहले मैं एक बार तो जरूर दोबारा खाऊंगा। क्या देखो देखो मटन पीस कितना आसानी से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ग्रेवी तो क्या कहने, वेरी वेरी थिक और एकदम डिफरेंट टेस्ट है। सो मच यूनिक, सो मच यूनिक। मैंने काफी सारा ग्रेवी खा लिया, मेरे को लग रहा है एक सर्विंग और मंगा ली जाए, क्योंकि मैंने अपने लिए हाफ पोर्शन मंगाया था ये सोचकर कि मेरे लिए ज्यादा ना हो जाए। बहुत ही बेहतरीन, हाईली इंप्रेस्ड। अगर हम कोशा मांसों को परोठा के साथ खाने की कोशिश करेंगे या रोटी के साथ खाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जो हमें इस बसंती पुलाव के साथ आ रहा है। वाह आज मैं बहुत खुश हो गया हूं, इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन और इतना जबरदस्त टेस्ट एंजॉय करके।
हम अभी कोलकाता की फेमस शोभा बाजार राजबाड़ी में हैं। यहाँ पर जमींदार फैमिली की फेमस दुर्गा पूजा 1757 से हो रही है। इस फेमस दुर्गा पूजा के पीछे एक कहानी है। 1757 में अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला की बैटल में शोभा बाजार राजबाड़ी के फाउंडर राजा नब कृष्ण देव, उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया। बैटल जीतने के बाद विनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर 1757 में दुर्गा पूजा करी गई। तब से यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए 1897 में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से वापस आए तो उनको रिसेप्शन यहाँ पर दिया गया। लो जी, हम पहुंच गए फेमस शॉप में फेमस रसगुल्ला खाने के लिए। आप देखिए बाहर इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला। रसगुल्ला में काफी सारी वैरायटीज हैं। मैं अपने लिए दो पीस ले रहा हूं। एक ले रहे हैं नॉलन गुड़ से बना हुआ रसगुल्ला, जिसके अंदर खजूर का गुड़ इस्तेमाल किया गया, ये सीजन में ही मिलता है। दूसरा यहां पर जो फेमस रसगुल्ला है जो आप सामने देख रहे हैं, इस समय जो आप रसगुल्ला देख रहे हैं, इसके बारे में माना जाता है कि इसकी खोज श्री नोबिन चंद्र दास जी ने की थी और आज ये पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। सब कुछ परफेक्ट है। कहने का मतलब यह है कि स्पॉन्जिनेस एक क्लास और चाशनी एकदम परफेक्ट, ना ज्यादा मीठा ना कम, ग्रेट टेस्ट। नॉलन गुड़ का टेस्ट मैं यहां आने के बाद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूं। खजूर से इस गुड़ को तैयार किया जाता है और यहां पर हम इससे बना हुआ रसगुल्ला खा रहे हैं। टेस्ट तो ये भी सही है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस में रसगुल्ला की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है ना, मेरे को वो ज्यादा पसंद आई। फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव या समथिंग न्यू, दिस इज अ मस्ट ट्राई। कुछ नया टेस्ट ट्राई करना चाहिए। मैंने सुना कोलकाता के अंदर सर्दियों के समय नॉलन गुड़ की आपको बहुत मिठाई मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में हम और एक्सप्लोर करेंगे। इस शॉप के अंदर स्वीट्स की और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। जिनके नाम से ये दुकान है उनका कॉन्फेक्शनरी फील्ड में बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी मिठाइयाँ उन्होंने अपने समय में इन्वेंट करी और लोगों को नए नए स्वाद दिए मिठाई की फॉर्म में। अब बात रसगुल्ला की करते हैं। जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में सालों सालों से एजिस से गॉडेस लक्ष्मी को रसगुल्ला का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, तो ये बात ऐसी है कि जो सालों साल में कभी भी बदली नहीं गई। तो दैट वे अगर इन्वेंशन की बात करेंगे तो लॉजिकली इट्स कमिंग फ्रॉम ओडिशा। या ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक वर्जन है रसगुल्ला का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मैंने टेस्ट इन्जॉय किया, सब लोग टेस्ट इन्जॉय करते हैं। दैट्स माई टेक ऑन दिस। अपने लिए एक और मैंने स्वीट ले ली है, रसो मलांचा। मेरे को इन्होंने एक्सप्लेन किया मालपुआ के अंदर खोआ और बादाम, और ये बाहर जो देख रहे हैं ड्राई मालपुआ है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो ऑसम टेस्ट दे रही हैं। मालपुआ का तो आप जानते हैं कितना स्वाद होता है। उसके अंदर ना जो खोया है वो ड्राई नहीं है, वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, वो बड़ा अमेजिंग टेस्ट दे रहा है। और बाहर इन्होंने जो गार्निश कर दिया ड्राई फॉर्म में खोआ डाल के, तो पूरी गेम बदल गई पूरी टेस्ट की। हालांकि मुझे लग रहा था मैं रसगुल्ला के बाद इसका टेस्ट मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं खा रहा हूं और बहुत एंजॉय कर रहा हूं, जबरदस्त। सामने आप स्टार थिएटर देख रहे हैं। ये सिनेमा हॉल है। आजादी से पहले
बर्निंग सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए थिएटर का इस्तेमाल किया जाता था। स्टार थिएटर की हिस्ट्री प्लेज और सिनेमा के साथ साथ कल्चरल रेवोल्यूशन से भी जुड़ी हुई है। स्टार थिएटर एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो 1883 में बनाई गई। अभी आप जिस रूप में इस थिएटर को देख रहे हैं ये इसकी रेनोवेटेड लुक है। 91 में आग लगने के बाद इस थिएटर को रेनोवेट किया गया। लीजेंडरी प्ले डायरेक्टर गिरीश चंद्र घोष जी के प्लेज यहाँ पर हुआ करते थे। स्टार थिएटर का नाम नोटी बिनोदनी के नाम से जुड़ा हुआ है। आज स्टार थिएटर कोलकाता की हेरिटेज बिल्डिंग है। शोभा बाजार में हम मित्रों कैफे आए, अपने लिए हमने फिश कबीरा जी ऑर्डर किया है। यहाँ की बहुत फेमस फिश प्रिपरेशन है, इवनिंग स्नैक में लोग बहुत पसंद करते हैं। आप देखो 4:30 बजे शॉप खुली है, इस समय 5:30 बजे और कितनी भीड़ है। हालांकि छोटा सा कैफे है बट ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोग एक्साइटेड हैं और हमने ऑर्डर दे दिया, वेट कर रहे हैं। ये देखिए आप फिश कबीरा जी, क्या क्या देखने में इसकी लुक एंड फील है। आगे पीछे दोनों तरफ से देखो। मैंने नाम बहुत सुना था यहाँ आने से पहले कि बंगाली डिश होती है फिश कबीरा जी, लेकिन देखने को आज लाइव पहली बार मौका मिला है। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसके बारे में। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये ब्रेड क्रम्स है और अंदर फिश फिले को डिप किया जाता है बीटन एग के साथ। एग को बीट करके उसमें डिप करते हैं, ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं और उसको फ्राई करते हैं मोटा मोटा। ये इसकी रेसिपी है। साथ में इन्होंने मस्टर्ड का चटनी दिया है सॉस। आज हमने दोपहर में भी बेटकी खाया। मैंने इनसे पता लगाया, इन्होंने बताया कि ये फिश फिले जो है ये बेटकी का है। ये देखिए आप क्लोजअप, ये विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। गर्म इसको खाते ही ना मेरे को 2-3 तरह के स्वाद एक साथ आए हैं। सबसे पहले स्वाद आया मेरे को अंडे का, क्योंकि बाहर जो लेयरिंग है वो ऑमलेट का है, मतलब बीटन एग। सेकंड फिश का टेस्ट बेटकी का बहुत स्वाद है। कभी आप कोलकाता आएंगे तो ये आप डे वन पे ही खाइएगा, आप भी याद करेंगे। ये एकदम अलग किस्म की फिश है। अब साथ में फ्राई किया तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑयली फील तो आएगी आएगी। वेरी गुड, मस्त है। मैं खाते खाते सोच रहा हूँ इसको बेस्ट इन्जॉय करने के लिए, अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करोगे ना इसको साइड में और लेट मी ओनली ईट दिस पार्ट तो मज़ा कम है। तो ये पूरा पैकेज है इस तरीके से, ये और थोड़ा सा फिले का पोर्शन लो और आप इसको इन्जॉय करो। थोड़ा सा वाइट मस्टर्ड भी अप्लाई करना चाहिए और फिर देखते हैं टेस्ट में कितना डिफरेंस महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से सॉस लगाओ और मजा दुगना। रॉकिंग। CIT रोड पर हम पुचका खाने के लिए आए हैं। दीजिए भाई साहब। अच्छा ये पानी में आपका फर्क क्यों है रंग में? दही दिया हुआ ना। अच्छा अच्छा, ये पानी के रंग में फर्क होने का कारण है कि इसमें दही ऐड है। ये आप इसका साइज देखो कितना छोटा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि गोलगप्पे हमको इतने छोटे से इसमें मिलेंगे। भैया थोड़ा मिर्ची बढ़ा दो, ये हरी मिर्च डाल दो।
इनका जो मसाला है अंदर का वो बड़ा मज़ेदार है। बाहर का जो गोलगप्पा है वो तो ठीक है, एवरेज है, बट मसाला बड़ा मेरे को अच्छा लगा, वो काला नमक वगैरह सब डाल रखा है इसमें। और ये पानी में फ़र्क है, जैसा सामने से दिख ही रहा था मेरे को, गोलगप्पे के पानी में दही मैंने आज तक नहीं देखा। दही है, पुदीना है। वेरी गुड भैया, पानी और दे दीजिए। सेटिस्फैक्ट्री एंड टू द डे। मैं सोच रहा हूँ पिछले 5 मिनट से, जब से मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ खाते खाते, कि अब इस समय मेन टाउन में है, मतलब मेन शहर में है, वहाँ पर टेस्ट कितनी मौज है, जो खा रहे हैं उसके अंदर हमको मज़ा आ रहा है और हम देख रहे हैं कि वैरायटी कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम डीप इंटीरियर में चले जाएंगे तो कितनी मौज होगी। हर स्टेट में होता है ना मेन सिटी वर्सेस डीप इंटीरियर, तो यहीं इतनी मौज है तो वहाँ क्या हाल होगा, मैं ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड एक्सपीरियंस आज, पहला डे वन तुम्हारा बहुत अमेजिंग रहा। गदर। अब आज की जर्नी हमारी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल हमारा एपिसोड 2 आएगा जो हम कल सफ़र करेंगे। कल की प्लानिंग अभी करी नहीं है, होटल जाके बैठकर प्लान आउट करेंगे कल हमें कहाँ कहाँ जाना है। आप बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने आप कोलकाता के एक्सपीरियंसेस तो हमसे ज़रूर शेयर करना हमेशा की तरह, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आप फूडी हैं तो कोलकाता के फूड से आप बहुत इंप्रेस हो जाओगे। मैं विंटर्स में कोलकाता क्यों आया, क्योंकि मैं सौंदेश मिस नहीं करना चाहता था। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।